प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। रामपुर शहर की 37 विधानसभा में भी उपचुनाव होना है। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद सभी सियासी पार्टियों ने जनता से रूबरू होना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में सबकी नजर रामपुर विधानसभा सीट पर रहेगी, क्योंकि यह सीट आजम खान की विरासत की सीट है। आजम खान इस सीट से 9 बार विधायक बन चुके हैं और अब वे मौजूदा सांसद हैं। सपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है तो प्रत्याशी के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वह अपनी पत्नी जो राज्यसभा सांसद है तजीम फातिमा, उनको चुनाव के मैदान में उतार सकते हैं। कांग्रेस और बसपा ने तो पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी। कांग्रेस से अरशद अली गुड्डू और बहुजन समाज पार्टी के जुबेर मसूद खान का टिकट फाइनल हो गया है। भाजपा के लिए टिकट को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। भाजपा के टिकट की दौड़ में काफी लंबी लाइन लोगों की थी जो टिकट के दावेदार थे। आज सबके दावे फेल हो गए हैं और भारत भूषण का दावा कामयाब हो गया है। भाजपा ने भारत भूषण को अपने प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद भाजपा के जिला कार्यालय पर खुशी की लहर थी और अपने प्रत्याशी को फूल मालाओं से लाद दिया और उनको मिठाई खिलाई और बधाइयां दी। हमने भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और शहर विधानसभा क्षेत्र मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि मैं मुकाबला अपना किसी से नहीं मानता हूं। मेरा एक ही मिशन है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीते और कमल का फूल खिले, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। सब लोग मुझसे मुकाबले के चक्कर में है और एक एक पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को चुनाव लड़ाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और ये नगर विधानसभा मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। मेरा मुकाबला अब जब लोग जो सामने आएंगे उसके बाद पता लगेगा, लेकिन मैं मुकाबला मान के नहीं चल रहा। मैं अपने मिशन में लग के मेरा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और कमल का फूल खुले, यही मेरा लक्ष्य है। मैं मुकाबले के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। किससे मुकाबला है मेरा? किसी से मुकाबला नहीं है। सब मुझसे मुकाबले के चक्कर में होंगे चुनाव में। तो क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके? मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए जो लागू की हैं, उन्हें प्राथमिकता पे मैं लोगों के बीच लेके जाऊंगा और गरीबों, दलितों, कुचले, गरीब पिछड़े और जो लोग जिन्हें सरकार के कामों की जरूरत है, योजनाएं की जरूरत है, उन तक जाऊंगा और उन तक जाके मैं अपनी बात रखूंगा। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, जो योगी जी का मुद्दा है, जो माननीय मोदी जी का मुद्दा है, वही मेरा मुद्दा होगा। संगठन में काफी लोग थे जो टिकट की दौड़ में थे, अब आपको टिकट हो गया है तो क्या जो लोग दौड़ में थे वो लड़ाएंगे आपको चुनाव? एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से भाजपा को लड़ाएगा, भारत भूषण को नहीं लड़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलाने के लिए चुनाव लड़ाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आपको अलग थलग नहीं दिखेगा। जितने लोगों ने टिकट मांगे सब मेरे साथ मुझे फोन करके बधाई दे रहे हैं, मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबके साथ मिलके ये चुनाव जीतना मेरा लक्ष्य है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।